हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं आईटीआई मैकेनिकल ड्राइंग यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉल पिन हैमर। तो हम आज बॉल पिन हैमर ड्रॉ करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, तो विदाउट यूजिंग स्केल। तो सिर्फ हम स्केल यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करने का, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए उतना ही यूज़ करेंगे। तो बाकी पूरा हम विदाउट स्केल यहाँ पे फ्री हैंड है, स्टेप बाय स्टेप सिंपल मेथड से कैसे बॉल पिन हैमर ड्रॉ करते हैं वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आप ईजिली ऐसे ही बॉल पिन हैमर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बॉल पिन हैमर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है फर्स्ट ईयर के फ्री हैंड स्केचेस में, तो ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए आता है। तो आप आसानी से इस वीडियो दे, ये पूरा वीडियो आप फुल देखकर आप आसानी से यहाँ पे बॉल पिन हैमर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ड्रॉइंग स्टार्ट करने से पहले अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग वहाँ पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए ड्रॉइंग को स्टार्ट करते हैं। बॉल पिन हैमर ड्रॉ करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक लाइटली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे पहले पिन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पिन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से तरह से ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे से लाइटली हल्के से हमें क्या करना है यहाँ पे, तो नेक्स्ट अब पिन का ऊपर का हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए ऐसे इस तरह से हमें यहाँ पे तो ड्रॉ कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम स्लोली हमें क्या करना है, कर्व ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट, उसको हमें पे इस तरह से ऐसे इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अनवांटेड है वो हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे पिन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा बाहर की तरफ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो हम और थोड़ा इसको बाहर की तरफ लेते हैं इस तरह से। तो ये लाइन हमें गाइड करता है यहाँ पे कि हमारा जो डायग्राम है वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं करके, मतलब दोनों साइड में डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, स्पेस सेम होनी चाहिए। देखिए इस तरह से अब हमारे यहाँ पे पिन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट फेस ड्रॉ करना है। फेस ड्रॉ करने के बाद चीक ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो फेस ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से थोड़ा ड्रॉ करके रखते हैं यहाँ पे, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से। स्लोली हमें ड्रॉ करना है इसे। तो यहाँ पे स्केल हमने जरा सा भी यूज नहीं किया है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे फेस ड्रॉ कर लेना है। तो फेस ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्ट क्या है इसका, हमें प्रोजेक्शन लेना है यहाँ पे बिना स्केल का यूज किए इस तरह से। वर्टिकल फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, सेम यहाँ पर भी सेम देख सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ा ज्यादा ही लंबा रखना है इस तरह से।
नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, इस तरह से यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइटली ड्रॉ करना है क्योंकि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन लाइन ऐसे बन रहे हैं, इसको हम बाद में इसको मिटा भी सकते हैं, इसके लिए हमें पहले लाइटली इसे कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं इसे नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे 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 इसे ड्रॉ कर देना हमें पूरा, इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट अब चीक पार्ट ड्रॉ करते हैं, तो चीक पार्ट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले लेना है ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही लेना है। अब नेक्स्ट ये थोड़ा यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएगा, तो उसके लिए देखिए आप कैसे करना ड्रॉ, इस तरह से फुल बहुत ही लाइटली हमें कंप्लीट करना है ये। देख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट ये भी लाइन हम नीचे की तरफ खींचते हैं इस तरह से, देख सकते हो कैसे इस तरह से। नेक्स्ट अब यहाँ की लाइन ये भी ऐसे थोड़ा सेंटर में आके बाहर की तरफ जाते हैं, देख सकते हो ऐसे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्या करना है, पे आई होल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हमारा आई होल आ जाएगा। तो आई होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ तक ऐसे इस पार्ट तक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक होल शेप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से नेक्स्ट अब हैंडल ड्रॉ करना है, तो हैंडल ड्रॉ करने के लिए इसका सेम हमें क्या करना है, पे इंटरसेक्शन लेना है इस तरह से, तो देख सकते हैं सेम यहाँ पे भी नीचे भी सेम, थोड़ा एंड पे इसको थोड़ा सा हमें मोटा कर लेना है पे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रफली हमारा हैमर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सभी लाइंस को क्या करते हैं, यहाँ पे सभी लाइंस को डार्क कर लेते हैं, और कहाँ पे डबल लाइंस ऐसे हुए उसको हम मिटा देते हैं और उसको सिंगल लाइन में ये कर देते हैं। तो पहले मैं सेंट्रल लाइन मिटा देता हूँ यहाँ पे, डबल पे बहुत प्रेशर नहीं डालना है, लाइटली इसे क्लीन करना है क्योंकि वो लाइट लाइन है उस पर, तो इस आसानी से मिट जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बहुत लाइटली हमें इसको रफ कर लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है रबर पे इस तरह से। अब हम सभी लाइंस को यहाँ पे डार्क कर लेते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे सभी फ्री हैंड लाइंस को हम यहाँ पे वो लिखा करते हैं इस तरह से, सभी डार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें हैंडल में इस तरह से जो वुड का सिंबल रहता है
कन्वेंशन शो कर लेना है पे। इस तरह से शो कर देना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छे से हमारा बॉल पिन हैमर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पार्ट शो कर लेते हैं सभी, तो इस तरह से हमें यहाँ पे पार्ट्स भी शो कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बॉल पिन हैमर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और एक लास्ट पार्ट यहाँ पे आई होल है, यहाँ पे भी हमें वुड का कन्वेंशन शो कर लेना है। तो इस तरह से हमें सिंपल तरीके से ऐसे रफली हमें से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वुड का कन्वेंशन दिख जाएगा यहाँ पे ऐसे इस तरह से। यस, अगर आपको ये ड्राइंग मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग जो मेथड्स है ड्राइंग के तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।